सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज की वीडियो होने वाली है एक महानता की मूर्ति जिसका नाम है जोया शेख। हाँ जोया शेख, क्योंकि मैं बस ऐसे ही रैंडमली यूट्यूब के ऊपर कंटेंट को एक्सप्लोर कर रहा था और मुझे मिली जोया शेख, जिसकी वीडियो देखकर मुझे लगा कि इस पर तो वीडियो बननी ही चाहिए यार। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब देख ही लग गया। चलिए शुरू करते, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कंटेंट। हाँ तो हम आ चुके हैं जोया शेख की आईडी पर। ये है उसका चैनल और 232 वीडियोस बना रखे और 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इनके। आई एम हेयर टू एंटरटेन। हाँ ये तो हम भी आपको करने ही वाले हैं एंटरटेन, क्योंकि आपकी वीडियोस से एंटरटेनमेंट होगा। तो चलिए। अरे देख वो क्या है, चल चल। अरे हाँ ये तो हीरा है, पढ़ इसमें क्या लिखा है। इस हीरे को हाथ में पकड़ के कहोगे अनक सुनेमोन तो अपने शरीर को गायब कर सकते हो और लाल रंग पर इसका कोई असर नहीं होगा। अनक सुनेमोन? अरे तू कहाँ गायब हो गई? मैं तो यहीं खड़ी हूँ। मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है? इस लाल चश्मे को पहन। लाल चश्मा? अरे हाँ तू तो मुझे दिख रही है। अब 3D चश्मे से जादू होने लगे। वाओ, मतलब कि 3D वाला चश्मा है ये लाल, और दूसरा का इसका पता नहीं लगी ये। मैं लाल चश्मा पहन रहा हूँ तो तू मुझे दिख रही है। पर ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये किसी 3D चश्मे को एक ग्लास निकाल दिया है और दूसरे दोनों से मतलब लाल चश्मा बनाए है। ये भी शायद वो जो छपरी बाजार में 100 रुपए में मिलते हैं ये वही चश्मे है, क्योंकि इसके बाल भी छपरी जैसे है तो इसे पता होगा। जैसे मेरे भी है तो बालों को कैंसिल करते हैं। हीरा और ये चश्मा जादू ही है। इस लाल चश्मे में मैं तुझे दिखाई दे रही हूँ। ये तो मस्त चीज है यार। अब तो तू दिख रही है। हाँ मिर्ची, आखिरकार मेरी तलाश खत्म हुई। इतने समय से मैं इन चीजों को ढूंढ रहा था, तुम दोनों बेवकूफों ने मेरा काम आसान कर दिया। ये तो विलन डेवलप कर रहा है। कितना खतरनाक विलन है ये, देखो जलवा है हमारा। मुझे दे दो वो चीजें। मुझे दे दो वो चीजें। ए जल्दी से हीरे को पकड़। अनक सुने मोन, ये दोनों कहाँ गायब हो गए? ये तो मुझे मार के चले गए। ये तो किसी बच्चे की मूवी की तरह लगता है यार ये। अनक सुनेमोन, ये डोरेमोन की है। सुनेमोन नहीं, अनक डोरेमोन। ये वही नदी है जिसके अंदर वो जादू हीरा मिलेगा, पर इतनी बड़ी नदी में वो छोटा सा हीरा अपन ढूंढेंगे तो ढूंढेंगे कैसे? वो हीरा ऐसे नहीं मिलेगा, वो सिर्फ एक मंत्र से मिलेगा जो सिर्फ मुझे पता है। चलो। अरे तो वो मंत्र मुझे बताओ। पहले तुम चलो, मैं वो तुम्हें बाद में बताऊंगी। आ गई नदी, अब बताओ हमें क्या करना है। पानी में हाथ डालो, मैं तुम्हें मंत्र बताती हूँ। ठीक है। अरे अब बताओ मंत्र क्या है। बोलो अनक सुनेमोन। ये तो वही वाला है यार, मतलब देखो देखो देखो। अनक सुनेमोन, यही मैं यहाँ पर भी वही था। अनक सुनेमोन। It's been a long day without you my... ये डोरेमोन का ही है पक्का। देखो पानी में हाथ डालो, मैं तुम्हें मंत्र बताती हूँ। ठीक है। अरे अब बताओ मंत्र क्या है। बोलो अनक सुनेमोन। अनक सुनेमोन मतलब किसी भी चीज को अगर तुम्हें कहीं पे हीरा चाहिए तो पानी में जाओ, हाथ डालो और बोलो अनक सुनेमोन, तो ऐसे हीरे निकलेंगे। और वो हीरे पहले तुम्हें गायब करेंगे चश्मे पहन, क्योंकि पहले तुम्हें मंत्र पता नहीं। मतलब पहले ये प्रीवियस वीडियो है उस वीडियो का, मतलब कि कभी भी कहीं पर भी जाओ और मंत्र से पहले हीरा उगाओ अनक सुनेमोन, और उसके बाद कहीं और जाओ और लाल चश्मा रख के उसी पे वीडियो बनाओ अनक सुनेमोन, और कोई भी रैंडम सा बंदा आता है और उसे कहता कि मेरी तलाश हो गई और लाओ मुझे मेरा हीरा वापस दे दो, फिर से वो बोलते हैं अनक सुनेमोन और गायब होकर उसे पीटते हैं, और ऐसे होते हैं 2 वीडियोस और वहां पे मिलती है 249K लाइक। अरे वाह मिल गया हीरा। मैं ये हीरा ढूंढने लोगों की मदद करने के लिए आया था। क्या मतलब है? इस हीरे से मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा और इस हीरे की शक्ति से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाँ ये वैसे भी ऐसे ही है, तो काला बाजारी और सब जगह पे ऐसे ही लोग खरीद लेते हैं, मतलब ऐसे कोई डॉक्यूमेंट जैसा कुछ लगता नहीं है। मतलब अगर तुम किसी मतलब ज्वेलरी वाले की दुकान पे जाओगे तो हीरा दे दोगे और कहोगे कि यार मुझे बेचना है क्योंकि मैंने बोला था अलग सुनेमोन, तो वही ले ही लेगा। वो डॉक्यूमेंट जैसा कुछ मांगेगा नहीं है, चोर बाजारी सब जगह चलती है। तुम भी नहीं रुको, नहीं रुको,
अब से मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। एक वीडियो में अलग सुनामन बोलो तो गायब हो जाते हो, और एक वीडियो में अलग सुनामन बोलो तो हीरा प्रकट होता है, फिर से अलग सुनामन बोलो तो ये इसकी गुलाम बन जाती है यार। और कितने खराब VFX थी उसकी बिजली वाली। ये वही नदी है जिसके अंदर वो जादुई हीरा मिलेगा, पर इतनी मतलब यार पहले इलेक्शन नंबर बोलो हीरा प्रकट होता है, फिर से बोलो तो बिजली होती है, और उसी बिजली के साथ तो तुम्हारे सामने वाले को तुम वश में कर लेते हो और तुम उसके आका बन जाते हो, काका तो वो तुम्हारा गुलाम बन जाता है। और दूसरे वीडियो में वही लक्ष्य नामन बोलो और गायब हो जाओ। क्या लॉजिक। अरे यार मैंने सुना है यहाँ पे डीजे पार्टी होती है, पता नहीं कहाँ होती है यार, वो देख वो लोग नाच रहे हैं, शायद वहीं पार्टी हो रही है, चल चल। ये भूतों की पार्टी नाम ही जुड़ी हुआ और अरे ओए मुझे नशे ज्यादा हो गए क्या, ये आदमी मुझे भूत जैसा क्यों लग रहा है? भूत जैसा लग नहीं रहा है, वो भूत है। और ये सब ने फिल्टर लगाए रखा है यार, ये मेकअप नहीं है, ये तो किसी स्नैपचैट का सस्ता सा फिल्टर है, देखो दोनों गाल यही पे लाल ला रहे इसके। लगता है ये शमशान घाट है और ये भूत। और हाँ ये जंगल जैसा इलाका है वहाँ पे यही पे भूत है, ये पीछे देखो ये यहाँ पे ये सब लोग जा रहे हैं, ये भूत भूत नहीं है, यहाँ तक पहुँच गए जंगल के बीचों बीच में पहुंच जाते हैं, और उन्हें ज़ॉम्बी जैसा भूत जैसा कुछ मिलता ही नहीं है, भूत मिलती है सिर्फ बीच में और किसी को पता नहीं, यही है पहली बार ये क्या कर रही है, पीछे देख रही है भूत हो यार, काटना चाहिए तुम उन लोगों को, भूत बनाओ ज़ॉम्बी बनाओ, मूवी की तरह ज़ॉम्बी वॉर जैसा कुछ नहीं देखा यार तुमने, देखो आपको वैसे दीदी मेकअप उतार दिया होता तो भी भूत ही लगती। ये काट दिया जाएगा। और ये तो ये भूतों की आवाज तो ऐसी है जैसे कोई इंसान मतलब कफ निकाल रहा है, जैसे कि ये ऐसी ही आवाज है मतलब। अबे वो भूत तो अपने पीछे पीछे आ रहा है, ये भी कफ ही निकाल रहा है, ये भूत नहीं है यार ये, और अगर भूत है फिर भी ये कफ निकाल रहा है तो क्योंकि इसे सर्दी हुई है। मुझे माफ कर दो ये बहुत बुरी है, इसको खा जाओ। अरे ये बुरा इस... वो हिंदी भी जानता है वो भूत, तो फिर तो ये लोग समझा रहे हैं, भूत अभी डील करेगा दोनों में, ये दोनों तीन भूतों को एक इंसान यार तुम ही डिसाइड कर सकते हो यार, सामने एक अच्छा पिज्जा है और एक दूसरा अच्छा पिज्जा है तो तुम दोनों को लोगे, क्योंकि अगर दोनों मिल रहे हैं तो तुम क्यों ऐसा करो, क्योंकि दूसरा बासी हो जाएगा, ये जिंदा है वैसे, पर ये कौन सा लॉजिक है, इसे खा जाओ मुझे खा जाओ। पब्लिक तो ये दिख रही है, ये सब भूत नहीं है, ये सब इंसान ही है, सारा भूतों का खेल यहीं पे चल रहा है एक जगह पर। इसे खा जाओ तुम ले जाके। और ये अभी भी कॉफी निकाले जा रहा है, भूतों के पास दिमाग होता है क्या, ये इतना ज्यादा सोच रहे हैं। चक्कर भी आता है। ए, वो गया। बाकी के लोग आ गए। भाग 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 यहाँ से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और कमेंट करो। करेंगे। अरे यार लाइक कमेंट सब करेंगे, लेकिन बाकी लोग कहाँ गए? तीन जो थे वो। यार लॉजिक लगाया था पर उन दोनों को भी लाना था, वो कहाँ गए? मैं नहीं आ पाऊंगी यार, मेरे भाई अभी इस दुनिया में नहीं रहे, मैं अकेली हूँ। क्या बात है, लड़की अकेली है। मतलब ये क्या लॉजिक हो, मतलब वो लड़की किसी कोने में बैठी और धीरे से बोली कि मेरा भाई नहीं है, मैं यहाँ पे भी मुश्किल से सुन रहा था मैं, और वो वहाँ से आता है और सीधा छेड़ने लगता है, मतलब आजू बाजू टपोरी ही भरे क्या। ओहो कहाँ अकेली अकेली घूम रही हो, अब तो तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ नहीं है, चलो। अरे बहन तू यहाँ पे क्या कर रही है, क्या कर रही है तू यहाँ पे अकेली? अगर घर नहीं जगह होता तो पहले उस इंसान को तो झापट मारता बोतल छीनने के लिए, लेकिन इसने बोतल वापस ले ली। ये बोतल क्या, मैंने तो सुना तुम्हारा भाई मर चुका है। गलत सुना बेटा, तुम अकेली हो। अरे नहीं नहीं, ये जब मुझसे झगड़ा करती है लड़ाई करती है तो मुझे जीते जी मार देती है, लेकिन तूने बोतल छीन ली और ये छेड़ने की कोशिश की, ये सब चलेगा? अगर कोई तुम्हारी बहन छेड़ देता है तो उसे MC कर देते हैं, और ये पर ये इंसान साधारण सी तरह से इसे समझा रहा है कि ये मेरी बहन मुझे मार देती है, अरे यार उसे पीटना चाहिए उसे। इतना भी गुस्सा अच्छा नहीं है, चल घर। सॉरी भैया, आप तो मेरे भाई नहीं हो, फिर भी आपने मेरी मदद करी, कौन हो आप? मेरी भी कोई बहन नहीं है, मुझे अपना भाई ये मैसेज अच्छा था, मुझे भी पसंद आया ये मैसेज, पर तो झापड़ मारनी थी यार उसे,
मारनी चाहिए थी, मैं होता जरूर मार लेता। अरे भाई वो देख, अरे वो, ये तो फिर से वही कपड़े वही जगह और वही वीडियो भाई। सुसाइड कर रही है। अरे हाँ, हीरा ढूंढ रही है वो शायद क्योंकि ये उससे भी ज्यादा प्रीवियस वीडियो है, तो वो हीरा ही ढूंढ रही होगी। ये मंत्र बोल के हीरा ढूंढ रही है हाँ क्योंकि वो अगली वीडियो में गायब हो सकता है। लग रहा है वो सुसाइड कर रही है, चल उसको जाकर बचाते। अरे भाई रुक। अरे क्या हुआ, तू रुकना, बचाता उसको। अरे वो कैसी आवाज थी, लगता वो डूब गई। चल चल गिर गया। अरे भाई वो तो पानी में डूब गई। अरे ढूंढ उसको। अरे उधर देख, उधर देख। अरे मिली क्या हमारी तो कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। इतने से पानी में दीदी कौन डूबता है यार, यहाँ पे पत्थर भी है। अरे भाई मुझे लग रहा है वो डूब गई। सुनो तुम किसे ढूंढ रहे हो? ये दीदी तो लुकन छुपाई खेल रही थी। अरे भाई यहाँ पे गड़बड़े, कुछ भाग। अरे छुपी थी यार किसी, ये बड़े बड़े पत्थर के पीछे छुपी थी। हाँ अरे भाई वो देख, शॉट खत्म हो गई। कोई मैसेज भी नहीं मिला, बस स्ट्रेंजर गर्ल और शॉट खत्म। कोई आती है लड़की, खड़ी रहती है, सुसाइड करने की ट्राई करती है ऐसा दिखाती है, और कहीं छुप जाती है। ये दोनों लड़के आते हैं, वो लड़की फिर से देखती है और भागती है। तो इस वीडियो से सीख मिलती है कि अगर कोई स्ट्रेंजर लड़की जो कि सुसाइड करने की कोशिश में हो और सुसाइड कर भी ले, तुमने देखा नहीं है और फिर से मिले, तो हमें भागना चाहिए। ये नहीं सोचेंगे कि वो जिंदा है, वो भूत ही होगी। इसे इतनी देर में भूत आ जाता है। देख बेन, मैंने एक लड़की को यहाँ पे बुलाया है, पर मेरे को बात करना नहीं आता, तुझे पता है तो तू मेरी मदद कर दे। अरे तो फिकर मत कर, मैं हूँ ना, मैं तुझे जैसा जैसा बोलूंगी तू वैसा वैसा करना। हाय। ओ तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हारी आंखें तो बहुत सुंदर है। तुम्हारी आंखें तो बहुत सुंदर है। शादी करना चाहता हूँ मैं तुमसे, शादी करना चाहता हूँ। कुत्ते। लड़के में बिल्कुल भी अकल नहीं है यार, ऐसा कौन करता है? इतना तो पता चलता है ना कि लड़के के सामने अगर मुझे कोई रैंडम बंदा इस तरह से मतलब इन्फॉर्मेशन देगा कि तुम ये बोलना, फिर भी मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा। भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, कुत्ते निकल यहाँ से, काले कुत्ते। अबे निकल यहाँ से। थर्ड कैटेगरी के इंसान को भी पता होगा यार कि किसी लड़के के सामने हमें ये सब नहीं बोलना है। किसी को भी पता चल जाएगा यार, काले कुत्ते। ये सब क्या बुलवा रही है? अब पता है। ओ क्या कर दिया मैंने? रुकना, मैं एक मिनट में आता हूँ। मुझे नहीं मत करना तुमसे, जाओ से। एक लड़की पटी थी तेरे चक्कर में, वो भी चली गई। सॉरी यार, अगली बार ना तू दूसरी लड़की पटाना, हम उससे अच्छे से बात करेंगे। यार एक बेचारा छपरी जैसे बालों वाला, छपरी जैसे बालों वाला नहीं, बेचारा थोड़ा सा छपरी इंसान है यार, क्योंकि दोनों की जींस फटी हुई है यार। तो मिलेगी क्या? मुझे भी नहीं मिली, वैसे मैं उससे ज्यादा उतना हैंडसम नहीं होगा, पर चलो छोड़ो अभी। जोया शेख दीदी जी की एंटरटेनमेंट वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आपको पता है क्या करना है, और चाहिए उनका चैनल भी एक्सप्लोर कीजिए और हमारा भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करो यार, व्यूज़ की तंगी है हमारे यहाँ। अगली बार मिलेंगे कुछ ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अनक सुनामोन।